तुम्हारे पिता ने तुमको जीवित ही यमुना में बहा दिया था, तो भोले बाबा की तपस्या करने के लिए कंस उद्यत हुई और तप करके विशेष शक्ति सामर्थ्य को जुटाया और सामर्थ्य को जुटा करके विश्व विजय के लिए निकल पड़े। और विश्व विजय करते करते जब लड़ते लड़ते साउथ अफ्रीका आया है कंस, तो वहां की रानी है जिसका नाम है पूतना। पूतना से युद्ध करने लगा तो ये हारने लगा, तो जब हारने लगा तो पूतना को धर्म बहन बना लिया और धर्म बहन बना करके पूतना को मथुरा ले आया और मथुरा पे आक्रमण करके अपने पिता को जेल में डाल दिया, स्वयं शासक बन बैठा। अब तो चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। अब बाढ़े खल बहु चोर जुआरा जेलम पट पर धन परदारा। अब तो कंस के अत्याचार से ऐसा भयंकर वातावरण हो गया है महाराज कि जो साधना कर रहे थे मुनियों का छोटा मौन योग, ऋषियों की रस्सी टूट गई। ऋषियों का टूटा मौन योग, मुनियों का टूटा मौन योग, ऋषियों की रस्सी टूट गई, ऋषियों की रस्सी टूट गई। तपोसी की बिसी लगी किसने, तपोसी की बिसी लगी किसने, योगी की कपड़ी छूट गई। और सबको पकड़ करके जेल में डाल दिया गया। अब उनकी हालत क्या है? हाथों में कड़े, पांवों में कड़े, पगलों में रस्सी पड़ी हुई, पगलों में रस्सी पड़ी हुई, जेब में चले अध जला साग, जेब में चले अध जला साग, तसले में रोटी सड़ी हुई।